सो हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करते हुए सब लोग ठीक होंगे। गाइस स्वागत है आपका इंडियन कार सिमुलेटर के एक और न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग आपसे बात करने वाले ये दो कार के रिलेटेड, जो कि सोनारा कार, इसका पहले वाला लुक था उसको चेंज कर दिया गया और आज इस कार का, और ये हमारे साथ दूसरी मिल जाती है ओडी कार, तो ये दोनों कार का लुक चेंज कर दिया गया है। तो आज इस वीडियो में दोनों कार का एक साथ रिव्यू करने वाले। तो गाइस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहना, आपको सारी की सारी जानकारी वीडियो में मिल जाएगी। तो गाइस वीडियो पर अगर पहली बार आ रहे हो तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल जाए। तो चले गए इस ज़्यादा देना करते हुए वीडियो को करते स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग सोनाटा कार का टेस्ट करेंगे कि वो कैसा है यहाँ पे चलने में भी। तो ये आ रहा है तो उसको थोड़ी देर के बाद हम लोग स्किप कर देंगे। चल भाई, तो इसको हमने स्किप कर दिया। तो गाइस अगर सोनाटा कार की बात करें तो इसका लुक कुछ इस तरह का हमें मिल जाता है यहाँ पे। अगर आपको इसमें कोई चेंजेस वगैरह करना है तो ये जो आप लोग हैंड ब्रेक जैसा ऑप्शन दिख रहा है उस पर अगर क्लिक करके यहाँ से आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आप लोग ये से काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ें हमें मिल जाती है यहाँ पर, जैसे कि ये फ्रंट जो हमारा होता है व्हील जो उसके ऊपर का काफ़ी ऊपर नीचे हो जाती है, जिससे कि आप लोग इसको मॉन्स्टर कार भी बना सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ये हमें मिल जाता है गाइस, आप लोग जितना चाहो उतना इसमें रख सकते हो। तो ये टायर के बारे में, टायर हम लोग को कैसा रखना है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो आगे के व्हील्स कैसे हिल रहे हैं, तो इसको हम लोग अभी कर देते हैं मीडियम ऐसे रखते हैं। काफ़ी ज़्यादा हमें इसमें और भी अच्छे अच्छे ग्राफिक्स वगैरह चेंज करने को मिल जाता है, तो आप लोग इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग कर देते हैं ड्राइव। तो गैस कुछ इस तरह का लुक हमें सोनाटा कार का मिल जाता है। साथ ही साथ हम लोग करेंगे ओडी कार का भी रिव्यू, तो भाई साहब हम लोग देखेंगे ओडी कार कैसी है चलने में। चलिए ये तो ड्रिफ्ट मोड में भी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो इसकी स्पीड की बात करूँ तो उतनी काफ़ी अच्छा नहीं है जितनी पहले वाली कार की थी, लेकिन चलिए अच्छा है गैस, हमको मिशन को पूरा करने में काफ़ी हद तक ये हेल्पफुल हो जाएगा। तो गैस कैसा लगा मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना है यार ये कार का रिव्यू। तो इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं, अगर इसके डैशबोर्ड की बात करूँ तो डैशबोर्ड में भी हमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं दी गई है। इसमें जो हमारा साइड मिरर होता है वो भी वर्क करता है थोड़ा थोड़ा सा, मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा वर्क करता होगा, तो ये वर्क नहीं करता, ये तो जो हम आगे वाला है वो थोड़ा ग्लिच हो गया है। तो चले गए अब हम लोग करते हैं ओडी कार का रिव्यू, यहाँ से मेन मेनू में चले जाते हैं। तो ये ऐड आ रही है, इसको स्किप कर देते हैं। अब हम लोग करते हैं ओडी कार का रिव्यू। तो ओडी कार मुझे काफ़ी पसंद आई, इसमें ओडी कार को चेंज कर दिया गया है। तो इसमें एक फॉर्चुनर कार थी और साथ ही साथ हमें जो स्कॉर्पियो का न्यू मॉडल लेटेस्ट वर्जन मिल जाता, लेकिन उसको भी रिमूव कर दिया गया है इसमें से। तो पता नहीं वो क्या है, एक बग है या फिर पता नहीं, लेकिन उसमें पहले में आता था, अभी वो उसमें दिखाई नहीं देता है। अगर आप लोगों को देखना है तो उसके वीडियो भी हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो गाइस ओडी कार की अगर बात करें तो कुछ इस तरह का हमें स्पोर्ट कार के स्पोर्ट वर्जन में मिल जाता है, काफ़ी अच्छा लुक हमें यहाँ पे मिल जाता है। इसमें पे अगर आप लोग चाहो तो चेंजेस कर सकते हो, लेकिन मुझे अभी इसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं करना है। तो अभी हम लोग इसके डैशबोर्ड की बात करें तो इसका डैशबोर्ड काफ़ी अच्छा हमें शाइनिंग के साथ यहाँ पर मिल जाता है, पूरा स्पोर्टी कार लगती है यहाँ पर हमें, स्पोर्ट कार हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो अंदर से इसका लुक कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बताना, मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा। अब इसके करते एक बार स्पीड टेस्ट। अगर स्पीड की बात करूँ तो मुझे इसकी स्पीड काफ़ी पसंद आई गाइस, काफ़ी अच्छे स्पीड के साथ हमें ये मिल जाती है। तो अगर मैं इसको कई बार चलाता हूँ तो इसको तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं ठोक ही देता हूँ, क्योंकि मेरे से ये अच्छी तरीके से चलती नहीं, इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है ना इसी वजह से। तो इसकी स्पीड हमें काफ़ी हद तक अच्छी मिल जाती है, जो सारी कार्स में सबसे ज़्यादा अगर स्पीड की बात करूँ तो इस कार की है, क्योंकि एक स्पोर्ट कार है तो जाहिर सी बात है कि इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा ही होगी। तो गाइस बस आज के इस वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और यार ये कार्स दोनों में से आपको कौन सी पसंद आई वो भी मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए गाइस वीडियो को करते हैं आप एंड, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अगर आप लोगों को देखना है कि इससे पहले वाली कार कौन सी थी और इसमें एक फॉर्चुनर कार भी थी और साथ ही साथ हमें स्कॉर्पियो कार का लेटेस्ट वर्जन भी मिल जाता, लेकिन उसको अभी रिमूव कर दिया गया, अगर आप लोगों को दोनों कार देखने तो उसके वीडियो भी चैनल पे अवेलेबल है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो चलिए गाइस इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।